सब्सक्राइब करो आरजे एक्सपर्ट को और दबाओ इस बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया 130 कीपैड वाले इस मोबाइल के बारे में। ये मोबाइल नॉर्मली ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है और हम पीछे की साइड में इस बॉक्स के बारे में देखते हैं तो नोकिया 130 ड्यूल सिम नाम लिखा हुआ है और कैमरा VGA ब्लूटूथ V2.0। और हम करते हैं फोकस थोड़ा प्राइस के स्टिकर पर, तो प्राइस आपको मिल जाता है 1679 का, लेकिन आपको ये ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा मात्र 1600 रुपये में। और आपको इसमें अप टू 22 hours 25 days टॉर्क स्टैंड बाई बैटरी मिल जाता है ऐसा बताया गया है। और दोस्तों, हम बॉक्स को सामने से देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। ऊपर की साइड में आपको कुछ नहीं और साइड में आपको मिल जाता है नोकिया 130 नाम लिखा हुआ ड्यूल सिम के साथ। पीछे आपको हमने दिखा दिया है और आपको मिलता है एक सील पैक मोबाइल। ये सील पैक रहता है, यहाँ से हम कटर से इसको काट देते हैं। ये जो हमारा फ़ोन का सील है वो हमने काट दिया और इसको हम करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स करते ही हमको एक अंदर से मिलता है एक नोकिया का फ़ोन 130। यह कुछ इस प्रकार दिखता है। इसको हम रखते हैं साइड में और बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स में हमको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले बॉक्स में हमको मिलता है एक क्विक गाइड जिसमें बताया गया है इस फ़ोन के बारे में। तो इस गाइड को रखते हैं हम साइड में और उठाते हैं हम चार्जर को। तो ये चार्जर एक नॉर्मल चार्जर है, लेकिन ये जो इस कीपैड वाले फ़ोन के लिए काफ़ी है। और ख़ास बात दोस्तों, जो कि इसमें पहले आता था पतला पिन वाला चार्जर वो नहीं है, जो कि इसमें चार्जर दिया है वो है नॉर्मली हर एंड्रॉयड फ़ोन में लगने वाला USB पोर्ट। और फिर उठाते हैं हम इसके एयरफोन को। तो एयरफोन जो है आपको बढ़िया क्वालिटी के मिल जाते हैं, जो कि इसके वायर का क्वालिटी वो भी बढ़िया है। और एयरफोन का जो स्पीकर है वो पहले की तरह ही आए हैं, जो रबर यहाँ पर नहीं है स्पीकर पे। और आपको ये माइक्रोफोन है एयरफोन का, इस पर नोकिया का कुछ बेसिक जानकारी दिया है। और ये जैक है वो नॉर्मली है। तो हम इस एयरफोन को रखते हैं साइड में और बॉक्स को भी रखते हैं। दोस्तों, हम उठाते हैं बैटरी को और जो बैटरी है वो है BL5C बैटरी, जो कि नोकिया के हर फ़ोन में, सादे फ़ोन में पाई जाती थी, हर फ़ोन के साथ में आती थी। छोटे फ़ोन में ये फेमस बैटरी है और हर फ़ोन में ये बैटरी नॉर्मली मार्केट में आपको हर जगह मिल जाती है BL5C बैटरी। 1020 mAh की ये बैटरी है, जो कि आपको अच्छा खासा बैकअप देगी। नोकिया बैटरी के लिए फेमस फ़ोन है। हम उठाते हैं इस फ़ोन को तो फ़ोन आपको कुछ इस तरह से दिखता है। आगे से आपको ये रबर का बटन मिल जाता है। और इस फ़ोन को हम पीछे से देखेंगे तो पीछे आपको एक लाउड स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर नीचे नोकिया का ब्रांडिंग और ऊपर मिल जाता है आपको लाउड स्पीकर के ऊपर एक कैमरा। ऊपर की साइड में मिनी USB पोर्ट और बीच में मिल जाता है टॉर्च लाइट और 3.5 mm का एयरफोन जैक। साइड में भी कुछ नहीं मिलता है। नीचे की साइड में बैक कवर रिमूव करने के लिए यहाँ पर कुछ दिया गया है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको प्राइमरी माइक, यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है। तो हम इसके बैक कवर को करते हैं रिमूव। हमने ये रिमूव किया तो इधर है दो स्लॉट, यहाँ पर आप दो सिम लगा सकते हो और यहाँ और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। तो हम इसमें बैटरी डालते हैं, जो कि ये BL5C बैटरी हम इस फ़ोन के अंदर डालते हैं और हम करते हैं इस फ़ोन को ओपन। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, डिस्प्ले में आ गया है नोकिया का नाम और कुछ ही देर में इस फ़ोन की शुरुआत हो जाएगी, हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने इस फ़ोन को ओपन किया तो यहाँ पर आता है लैंग्वेज सेलेक्ट का ऑप्शन, तो हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर देते हैं। हम करते हैं इंग्लिश सेलेक्ट और यहाँ पर सब सेटिंग है, सेटअप कर देते हैं फ़ोन का। सेटअप कंप्लीट होने के बाद फ़ोन का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है।
ऊपर का की दबाते हो गो टू पे तो आपको यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, और मेनू की दबाओगे तो मेनू में आपको ये सब मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देख सकते हो यह मेनू आपको मिलने वाले हैं इस फ़ोन में। यह हमने किया कैमरा ओपन, तो कैमरा आप देख सकते हो नॉर्मल क्वालिटी का कैमरा आपको मिल जाता है, नॉर्मल VGA कैमरा आपको इसमें मिलता है। तो आपको यहाँ पर वाइब्रेट और ब्राइटनेस के लिए भी आपको दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ।